हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे क्लास नाइन्थ की। लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार आप उसको देख लीजिए। या अगर आपको पहले से इसके कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपको कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है, तब तो आप इस वीडियो को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, जिससे कि अब मैं इसकी जब एक्सरसाइज कराऊंगी तो उसके क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा ये भी कहना रहेगा कि आप जब भी वीडियोस देखें तो अपने साथ बुक, कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो तुरंत आप करने लग जाइए, आप प्रैक्टिस आपकी इस तरह से हो जाएगी। क्योंकि मैथ्स देखने से नहीं आती, मैथ्स प्रैक्टिस करने से आती है, और जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला जाएगा और आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, आप उसी के अकॉर्डिंग बहुत फास्ट करने लगेंगे। लेकिन अगर आप वैसे आराम से बैठ करके करेंगे तो आपकी स्पीड भी इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो बताइए, अगर आपने पहली वीडियो में देखा है तो जीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो के नीचे हमने वन लगा दिया, और जैसे ही हमने जीरो के नीचे हमने वन लगा दिया, डेफिनेशन कहती है इसको अगर आपने p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बट p एंड q आर इंटीजर, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। तो देख लीजिए, ये हमारे p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, और जहां पर q हमारा जीरो नहीं है लेकिन p एंड q जो कि हमारे क्या है, जीरो है या फिर वन है, ये बिलोंग करते हैं किसको? इंटीजर को बिलोंग करते हैं। यही तो डेफिनेशन थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब आ गया सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। सिक्स रैशनल नंबर बताने हैं आपको थ्री एंड फोर के बीच में। तो आप देखिए, क्या थ्री एंड फोर रैशनल नंबर है? पहले तो आप ये देख लीजिए, थ्री और फोर क्या रैशनल नंबर नहीं है? तो जब रैशनल नंबर बताने हैं तो पहले आपको इनको थ्री एंड फोर को आपको क्या बनाना पड़ेगा, रैशनल नंबर बनाना पड़ेगा। थ्री मैंने एंड फोर, तो इनको रैशनल नंबर बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, थ्री बाय वन एंड फोर बाय वन। अब ये रैशनल नंबर बन गया। अब जब ये रैशनल नंबर बन जाते हैं और हमें इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, तो हमारा प्रोसेस ये कहता है, सबसे पहले आप देखिए क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है तो आप कर दीजिए। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो फिर आप कंपेयर करिए न्यूमिरेटर को, क्या उन दोनों न्यूमिरेटर के बीच में, मैं बीच में कह रही हूं, बीच में का मतलब फर्स्ट नंबर को भी छोड़ दीजिए, लास्ट को भी छोड़ दीजिए, जो बिटवीन में नंबर आ रहे हैं वो जितने वो पूछ रहा है वो हैं क्या, हैं तो ठीक है, नहीं है तो हम प्रोसेस को कैसे करते हैं ये चीज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे आपसे काम चेक करते हैं कि क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ हमारे सेम है, जब सेम है तो मैंने कहा अब किसको कंपेयर करिए, आप देखिए क्या न्यूमिरेटर दोनों के बीच में सिक्स रैशनल नंबर आ रहे हैं, थ्री और फोर के बीच में कोई रैशनल नंबर आ ही नहीं रहा, यानी हमारा क्वेश्चन अब यहाँ पर स्टार्ट बता ही नहीं पा रहे। तो जब अब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको कितने नंबर बताने हैं, सिक्स, तो उसमें सिक्स में एक और वन कर दीजिए, प्लस वन यानी कितना गया, सेवन। इस सेवन का फर्स्ट रैशनल नंबर में और सेकंड रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो फिर डिनोमिनेटर वापस से हमारे सेम रह जाएंगे, ये रीजन है हमारा करने का। तो ये हो गया थ्री अपॉन वन में हमने सेवन का मल्टीप्लाई कर दिया और सेवन का डिवाइड कर दिया, एंड फोर अपॉन वन में भी हमने सेवन का मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया सेवन थ्री जो 21 अपॉन सेवन एंड सेवन फोर जो 28 अपॉन सेवन। ऐसा करने से क्या हुआ, अभी भी हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए। अगर सेम नहीं होते तो मैं वो भी आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी, लेकिन यहाँ देखिए जब डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने आपसे क्या कहा, अब देखिए क्या इन दोनों के बीच में, यानी आपको 21 और 28 के बीच में सिक्स रैशनल नंबर देखने हैं, तो 21 को भी नहीं काउंट करेंगे, 21 को भी नहीं करेंगे, तो 21 से बना 22 भी पता है, 23 भी है, 24 भी है, 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है, यानी कि सिक्स रैशनल नंबर हमारे आ रहे हैं। सिक्स नंबर आ रहे हैं तो उनको हम रैशनल नंबर भी लिख देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिक्स रैशनल नंबर्स आर क्या होंगे, 22 अपॉन सेवन, 23 अपॉन
7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7 and 27 upon 7. अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि ये जो हमने रैशनल नंबर्स लिख लिए हैं रैशनल नंबर अपॉन में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा अपॉन में. लेकिन अगर ये नंबर सिंप्लीफाई हो रही है तो आपको यहाँ सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है. सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है ना जब भी कोई अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको आपको करना है, पहले से ही सिखाया हुआ है तो आपको वो करना ही है. यानी जैसे आप ये समझ लीजिए आपको मालूम है आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका प्रॉब्लम का तो आपको सोल्यूशन करना ही है. ऐसा थोड़ा है कि प्रॉब्लम आई है और आप बैठे में जी आई है तो देखेंगे क्या होगा, नहीं. आप तो कहते प्रॉब्लम है तो उसको फटाफट सोल्यूशन करिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके उसको खत्म करिए. तो ऐसे ही इसको आप ये समझ लीजिए एक तरीके से ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन तो आपको करना ही है. तो जब भी कोई नंबर सिंप्लीफाई होता है सर कर लीजिए, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है 7 से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, यहां तक क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ. आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड फाइव रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड थ्री बाय फाइव एंड फोर बाय फाइव. क्वेश्चन यही है, बस अब पहले आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिया था और अब आपको उन्होंने फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया है. तो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिया था तो हमने उसको बना लिया था और दे रखा है तो उसे हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में रैशनल नंबर के फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं है. 3 पाई एंड 4 अपॉन 5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. तो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. सेम है तो अब हम किसका कंपैरिजन करेंगे, न्यूमरेटर का. न्यूमरेटर फिर वही 3 एंड 4, 3 एंड 4 फिर भी कोई नंबर नहीं है. तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 5 प्लस 1 कर दिया, कितना आ गया 6. अब 6 का दोनों में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 18 अपॉन 30 एंड 24 अपॉन 30. अब फिर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं. जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो अब हम फिर कंपेयर करके देखें क्या 18 और 24 के बीच में 5 आ रहे हैं. बिल्कुल 19, 20, 21, 22, 23 5 हो गए हमारे. तो अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं. 5 रैशनल नंबर्स आर कौन कौन से हैं, 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30 एंड 23 अपॉन 30. अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि अगर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो आपको करना जरूरी है. यार 19 के टेबल में 30 नहीं आता तो हमारा ये वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये वाला 0 से 0 कैंसिल हो रहा है तो सेकंड नंबर हो गया 2 बाय 3. अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जाए 21, 3 10 जाए 30, तो आ गया 7 अपॉन 10. 2 से कट गया 11 अपॉन 15 और ये फिर हमारा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हमने लिख दिया 23 अपॉन 30. दिस इज आवर रियल आंसर. एक्चुअली में ये हमारा रियल आंसर है, लेकिन आप बुक से मैच करेंगे तो हो सकता नहीं हो, क्योंकि बुक में एक और मेथड है. बुक में मतलब एक और आप मेथड से इसको कर सकते हैं. तो इनके नंबर्स के बीच के कितने भी नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं और भी दूसरे मेथड से. तो हमने यहाँ एग्जैक्ट 5 ही फाइंड आउट किए हैं तो आंसर इसलिए कई बार हमारे मैच नहीं करते हैं, बट दिस मेथड इज करेक्ट. ये बिल्कुल सही मेथड है. ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि हमारा है ट्रू एंड फॉल्स. और ट्रू एंड फॉल्स के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज पता होनी चाहिए. चलिए यहीं पर हम चेक कर लेते हैं. यहाँ पर कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजंस टू योर आंसर्स. आपको रीजंस भी देने हैं. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन. सो ऑन मतलब जो जिनकी काउंटिंग एंडलेस है, जो हमारे पास खत्म नहीं हो रहे हैं, यानी चलते ही चले जा रहे हैं, इतने ज्यादा है कि हम उनको अपने बोर्ड में भी नहीं लिख सकते. और उन सो ऑन को हम किस नंबर किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो कह रहे हैं ये नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट नंबर है, क्या ये होल नंबर है? भाई ये होल नंबर
है क्या? बिल्कुल है होल नंबर, क्योंकि ये होल नंबर का एक पार्ट है। होल नंबर के अंदर ये सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इसलिए ये एक होल नंबर है। अब पूछ रहा है दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर एक इंटीजर क्या होल नंबर है? तो सबसे मोटी मोटी बात हम देख लें, इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। लेकिन होल नंबर क्या होते हैं? केवल पॉजिटिव होते हैं। तो कह रहा है हर इंटीजर, हर इंटीजर में तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ गए, तो क्या दोनों प्लस माइनस वाले नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं। यानी कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, नॉट होल नंबर। ठीक है, अब आ जाए हम, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए अब बात आती है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर क्या होल नंबर है? हर एक रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर पहले तो हम देख लें क्या होते हैं। रैशनल नंबर जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। तो अगर मैं कहूँ माइनस वन अपॉन फाइव, ये भी एक रैशनल नंबर है। टू अपॉन एट, ये भी एक रैशनल नंबर है। और जीरो अपॉन 25, ये भी माइनस 25, ये भी रैशनल नंबर है। तो क्या ये रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? अगर इसके 5 को मैं हटाऊं पहले तो रिप्लेस करना चाहूंगा। देखिए हमारा फोर्थ का हमारा लास्ट पार्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है? तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और रैशनल नंबर हमारे नेगेटिव हो सकते हैं, जबकि होल नंबर हमारे क्या होते हैं? केवल पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हम अब जैसे मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो नेगेटिव रैशनल नंबर को अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं, ये रहेगा तो नेगेटिव। इसका मतलब ये होल नंबर नहीं बन सकता, ये फिर भी पॉजिटिव है तो मे भी बन सकता है। बट होल नंबर क्या होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर केवल वन होता है और न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। तो हम इसे केवल टू बाय वन या नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ नॉट होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर जो है वो आपका होल नंबर नहीं होगा। तो यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2।